हैंडल से नॉइस का साउंड का जो प्रॉब्लम आता है वो किस वजह से आता है, क्यों आता है और कैसे ठीक होगा और किस तरह से आप लोग कर सकते हैं। क्या आपका साइकिल का हैंडल से नॉइस का प्रॉब्लम, साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है? आज की इस वीडियो में परमानेंटली सोल्यूशन लेकर के आए हैं और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ओनली आप लोग का कमेंट का आधार पर बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे से हमारे डियर सब्सक्राइबर व्यूअर्स ने हमें कमेंट किए हैं कि राजू जी हमारा साइकिल में जो है हैंडल से नॉइस का, साउंड का, आवाज़ का प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज़ इस पर आप एक डेडिकेट वीडियो बना दें कि हम लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ सकें और हम लोग अपना साइकिल का नॉइस का जो भी प्रॉब्लम है हैंडल का उसे हम सॉर्ट आउट कर सकें, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें विदाउट मैकेनिक, विदाउट शॉप ले जाए हुए, इजीली अपने घर में ही। तो आप लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे यह वीडियो को पूरा कम्प्लीट आप लोग को अच्छे से देखना है और हम आप लोग को 101% गारंटी देते हैं इस चीज़ का, इसका प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा और कभी भी नहीं आएगा इन फ्यूचर, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हम एक साइकिल मैकेनिक है। बहुत सारे ऐसे हमारे डियर सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं जो कि जानते हैं कि राजू जी एक साइकिल मैकेनिक है और इनका चैनल पे सही वीडियो हम लोग को मिलता है जिससे हम लोग का फ़ायदा भी होता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है, आप लोग को हम अच्छे से बताते हैं हैंडल से नॉइस का, साउंड का जो प्रॉब्लम आता है वो किस वजह से आता है, क्यों आता है और कैसे ठीक होगा और किस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग का कीमती समय ज़्यादा ना लेते हुए वीडियो देख रहे हैं, हमारे पास एक MTV बेसिक मॉडल का साइकिल है, ठीक है। आपके पास किसी भी कैटेगरी का साइकिल हो, किसी भी कैटेगरी का, हर साइकिल में सेम प्रॉब्लम होता है हैंडल से नॉइज आने का। सबसे पहले एक चीज़ समझे आप लोग कि ये प्रॉब्लम क्यों होता है, नॉइज़ का प्रॉब्लम जो आता है हैंडल से ये क्यों आता है और किस वजह से आता है। तो जैसा कि ये साइकिल का हैंडल आप देख रहे हैं तो ये पुराना साइकिल है, कई बार क्या होता है कि नया साइकिल का हैंडल में भी ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। नया साइकिल अगर आप मार्केट से ख़रीदे हैं और न्यू साइकिल जब आप चला रहे हैं तो अगर हैंडल से नॉइज़ का प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका मेन रीज़न क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है। अगर नया साइकिल हो या फिर पुराना साइकिल हो, दोनों में सेम प्रॉब्लम होता है और दोनों का सोल्यूशन भी सेम आएगा। ध्यान से वीडियो को देखना है और समझना है। तो जैसा कि देख रहे हैं ये जो सामान आप देख रहे हैं ये जो गोल टाइप का है इसे बॉल रेसर सेट बोला जाता है, ठीक है। हैंडल का चूड़ी सेट इसे बोला जाता है। ये आपका जो सेट देख रहे हैं इसे आपका गुना रेसर बोला जाता है, ठीक है, और इसे आपका बॉल रेसर बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखिए, एक साइड में हमारा न्यू है और एक साइड में हमारा पुराना है, तो दोनों का डिफरेंस हम आप लोग को बताते हैं और जो नॉइस का प्रॉब्लम आता है यही दोनों का वजह से आता है और किस तरह से आता है, कैसे आता है और कैसे ठीक होगा। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम को समझे कि नॉइस का जो प्रॉब्लम आता है वो कहाँ से आता है और किस जगह से आता है। सबसे पहले तो साउंड का जो नॉइस का प्रॉब्लम आता है, साउंड कुछ इस तरह से आता है। एक हम आप लोग को वीडियो क्लिप दिखाना चाहेंगे। तो जैसा कि ये वीडियो क्लिप आप लोग देख रहे हैं और नॉइज़ भी सुन पा रहे हैं, ठीक है, इस तरह का एक प्रॉब्लम आता है। एक आपका प्रॉब्लम आता है चिक चिक, एक प्रॉब्लम यह आता है कट कुट किट, इस तरह का आता है, और एक प्रॉब्लम आता है थोड़ा मोटा टाइप में, पतला टाइप में रहेगा, इसी तरह से कुक कट को इस तरह से आता है, ठीक है। आप लोग समझ गए हैं साउंड सुन करके, और भी अदर तरह का हैंडल से नॉइस का, साउंड का प्रॉब्लम आता है। तो आने का जो मेन रीज़न होता है कि ये जो न्यू बॉल रेसर आप देख रहे हैं इसे आप ध्यानपूर्वक देखें, ये देखिए, ठीक है। जैसा कि आप न्यू वाला बॉल रेसर देख रहे हैं एकदम क्लीनली है, यहाँ पर जो है बॉल सब आपका बैठता है और रोटेट होता है, ठीक है। ये हो गया आपका न्यू वाला। उसके बाद आ जाता है ये आपका नीचे वाला बॉल रेसर सेट, ठीक है, ये नीचे वाला रिंग हो जाता है जिसमें बॉल्स बैठता है। उसके बाद ये आपका आ जाता है गुना वाला, इससे आपका टाइट होता है, इसमें भी बॉल्स आपका चलता है। अब हम आप लोग को पुराना वाला दिखाना चाहेंगे। जैसा कि आप पुराना वाला देख रहे हैं, ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये देखिए ये आपका दो पुराना वाला हम लिए हैं और ये दोनों ही बॉल रेसर जो ख़राब हो चुका है, ये देखिए। जैसा कि ये सामने का आप देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो रिंग आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ जो घाट बना हुआ है यहाँ पर देखिए पूरा पतला हो गया है और इस साइड में देखिए मोटा है आपका। और नया वाला में हम आप लोग को दिखाना चाहेंगे, नया वाला में देखिए एक रेट एक लेवल में है, ठीक है, ये देखिए अच्छे से आप लोग ये चीज़ को देखें समझें।
ठीक है, जैसा कि हम आप लोग को बता दिए। तो इस सिचुएशन में क्या करना पड़ता है, ये बोलरेसर सेट को चेंज करवा देना पड़ता है। इसमें आपका हच का प्रॉब्लम भी आता है, ढक का प्रॉब्लम भी आता है और नॉइस का प्रॉब्लम भी आता है। तो नॉइस का प्रॉब्लम कब आता है, जब आप ऑयलिंग मेंटेनेंस का ध्यान नहीं देते। टाइम टू टाइम आपको अपना साइकिल का हैंडल में ऑयलिंग मेंटेनेंस का ध्यान देना है। ये पार्ट्स जो इस तरह से खराब हुआ है, इस तरह से कभी भी नहीं होगा। अगर हच का प्रॉब्लम आता है, ढक का प्रॉब्लम आता है, तो तुरंत आपको अपना हैंडल को टाइट कर लेना है। इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। एक एक वीडियो को देख करके आप ये चीज को समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नॉइस का प्रॉब्लम। तो ये सबसे आपका नॉइस का प्रॉब्लम तो आता ही है, जैसा कि हम लोग बताए सामान खराब होने के बाद। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सामान नहीं भी खराब होता फिर भी नॉइस का प्रॉब्लम आता है। वो जो नॉइस का प्रॉब्लम आता है आपका ऑयलिंग मेंटेनेंस का वजह से। कई बार क्या होता है कि हम लोग साइकिल चलाते हैं, चलाते रहते हैं और कभी गंदा हो जाता है, तो साइकिल को हम लोग वॉश भी कर देते हैं। वॉश भी करने के बाद फिर भी हम लोग साइकिल को चलाते हैं लेकिन ऑयलिंग नहीं करते हैं। चाहे आपका व्हील हो, बॉटम ब्रैकेट हो या फिर हैंडल हो, तो हैंडल से आपका जो है बहुत ही लेट से आता है नॉइस का, साउंड का प्रॉब्लम। जब सामान खराब हो जाता है तभी चिक चक इस तरह का नॉइस का प्रॉब्लम आता है, जैसा कि आप वीडियो में सुन पा रहे हैं। लेकिन आपका बॉटम ब्रैकेट में हो या फिर व्हील में हो, व्हील में बहुत जल्द आ जाता है साउंड का प्रॉब्लम, नॉइस का प्रॉब्लम। उसके बाद बॉटम ब्रैकेट से आने लगता है, उसके बाद हैंडल से आने लगता है। तो ऑयलिंग मेंटेनेंस का ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जैसा कि देख रहे हैं हमारे पास में यहाँ बॉल्स है, एक 18 का है, एक 532 का है। और ये जो बॉल्स आप देख रहे हैं ये आपका चक्के वाली बॉल्स है, ठीक है। इन्हें व्हील में लगाया जाता है और बॉटम ब्रैकेट में लगाया जाता है। लेकिन ये जो दो साइज का बॉल्स आप देख रहे हैं, एक आपका 532 साइज का है, एक आपका 18 साइज का बॉल्स है। तो कई बार क्या होता है कि न्यू साइकिल अगर आप मार्केट से खरीद लिए हैं इस तरह का बेसिक मॉडल का साइकिल, तो इसमें क्या होता है कि हैंडल में जो नॉइस का प्रॉब्लम, साउंड का प्रॉब्लम आता है जब हम लोग साइकिल राइड करते हैं, तो ये बॉल्स का वजह से आता है। इसमें जो आप बॉल्स देख रहे हैं ये देखिए, ठीक है। तो इसमें बाल्स भी बहुत तरह का कंपनी आता है, तो बाल्स पर हम ऑलरेडी डेडिकेट रिव्यू वीडियो बना चुके हैं। ये वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो नया बाल्स में कभी कभी क्या हो जाता है, जैसा कि ये नया बाल्स देख रहे हैं, ये आपका एकदम फ्रेश बॉल्स है, ठीक है। तो जब हम लोग न्यू बॉल्स फिट कर देते हैं न्यू साइकिल में, जो न्यू साइकिल में दिया जाता है, तो नॉन ब्रांड का साइकिल में ही ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादा करके देखने को मिलेगा। ब्रांडेड साइकिल में बहुत ही कम देखने को मिलेगा, माइनर से माइनर देखने को मिलेगा। हालांकि उसमें भी प्रॉब्लम होता है लेकिन बहुत ही बाई चांस होता है न्यू साइकिल में हैंडल में नॉइस का प्रॉब्लम। अगर आता है तो ये बॉल्स का कारण से आता है। कभी कभी क्या होता है कि हैंडल में ये जो बॉल्स होता है ये एक्स्ट्रा डला जाता है, मैकेनिक ही मिस्टेक करते हैं, तो मैकेनिक का मिस्टेक का कारण से ये बॉल्स एक्स्ट्रा हो जाता है। सारा बॉल्स को हम बॉल रेसर में जो है ये चूड़ी में बिठा लिए हैं, जैसा कि आप लोग का सामने में है। तो यहाँ पर देखिए एक बॉल्स का जगह यहाँ पर ही रह जाता है, ठीक है। तो ग्रीसिंग करने के बाद ये जो बॉल्स बिठाया जाता है तो यहीं पर ही मिस्टेक हो जाता है। कभी कभी बाई चांस जो है मिस्त्री लोग से मिस्टेक होता है, वरना नहीं होता मैकेनिक लोग से। तो यहाँ पर ही एक स्पेस होना जरूरी है। तो यहाँ पर जैसे ही हम एक और बॉल्स को लगा दे रहे हैं तो यहाँ पर देखिए स्पेस जरा सा भी नहीं रह रहा, ठीक है। पूरा हम आप लोगों को सेटिंग मिला करके दिखा रही है, देखिए जरा सा भी स्पेस नहीं हो रहा है। तो इसमें जब हैंडल को फुल फिट किया जाता है बॉल्स के साथ में, जब ये गुना रेसर को हम लोग टाइट कर देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक दोनों सही चलेगा, उसके बाद जो नॉइस का प्रॉब्लम आ जाता है साउंड का, क्योंकि एक दूसरे में सही से मूव नहीं हो पाता है बॉल्स। इसके वजह से जो साउंड का प्रॉब्लम आता है न्यू साइकिल में, और कई बार पुराना साइकिल, ऐसे ही पुराना साइकिल में हैंडल में प्रॉब्लम आता है और हम लोग जो सर्विस कराते हैं, तो ये जो बॉल्स होता है ये आपका खराब हो जाता है। खराब होने के बाद हम लोग जैसे ही न्यू बॉल्स लगाते हैं इस तरह का, तो लगाने के बाद सेम प्रोसेस अगर हो जाता है, मैकेनिक अगर मिस्टेक से फुल बॉल्स लगा दिए, ठीक है, एक भी घर इस तरह से बाकी ना रखा हो, ठीक है, यानी एक बॉल्स जो है गैपिंग होना चाहिए इस तरह का, एक बॉल्स का, ताकि अच्छे से सारा बॉल्स जो है मूविंग होना चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से अगर हम एक बॉल्स लगा देते हैं तो ये मूव का जो जगह वो पूरा ख़त्म हो जाता है और मूव नहीं हो पाता है। इसकी वजह से नॉइस का प्रॉब्लम आता है, चिक चाक और भी तरह का नॉइस का प्रॉब्लम आता है, कट कुट इस तरह का। तो ये जो मेन प्रॉब्लम आता है नॉइस का न्यू साइकिल में, ये बॉल्स का वजह से आता है। ये बॉल्स को चेंज करवा देना है। अगर 15 दिन एक महीना हो गया है तो फिर आपको क्या करना है कि ये जो बॉल रेसर है ये भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको मैकेनिक देखेगा तो ऑटोमेटिकली मैकेनिक समझ जाएगा कि अगर बॉल से सही होता है तो बॉल से ठीक हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो ये दोनों ही सामान चेंज करना पड़ेगा, चाहे बॉल्स हो या फिर बॉल रेसर हो, ये पूरा सेट चेंज होगा आपका, ये चार पीस,
ठीक है, पूरा सेट चेंज हो जाएगा, तो नॉइस का जो प्रॉब्लम हैंडल का वो परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा, फिर कभी भी नहीं आएगा। और लास्ट में हम आप लोग को एक चीज़ और क्लियर करेंगे, हैंडल में जरा सा भी अगर नॉइस का प्रॉब्लम आता है तो तुरंत ऑयलिंग कर देना आपको। अगर आप ऑयलिंग मेंटेनेंस का टाइम टू टाइम ध्यान देते हैं तो बाइक का इंजन का न्यू ऑयल होना चाहिए, जला हुआ ऑयल का उपयोग नहीं करना है, न्यू ऑयल का उपयोग करना है। ठीक है, अभी बरसात का मौसम चल रहा है दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं अभी हमारे यहाँ पर पूरा बरसात हुआ है। ठीक है, वीडियो करते करते ही इतना सारा पानी फिर से ठहर गया जो कि अभी सूख गया था, तो फिर से घना बरसात हुआ था। तो आपको क्या करना है बरसात के मौसम में, आपको प्रतिदिन अपना यह साइकिल में MTB का साइकिल हो या फिर अदर कोई भी साइकिल हो, आपको जो है प्रतिदिन ऑयलिंग करना है, व्हील में हो, बॉटम ब्रैकेट में हो या फिर हैंडल में हो, कभी भी नॉइस का साउंड का प्रॉब्लम नहीं आएगा और पार्ट्स हमेशा आपका सही रहेगा, कभी भी ख़राब नहीं होगा, लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, इसका मेरा 101% आप लोग से गारंटी है, क्योंकि हम एक साइकिल मैकेनिक है और इस चीज़ का हमें अच्छे से नॉलेज है, इसलिए हम आप लोग को अच्छे से समझा पा रहे हैं और बता पा रहे हैं। अगर आप वीडियो को पूरा देख लिए हैं तो अच्छे से आप ये चीज़ को समझ गए हैं, तो इसका सोल्यूशन भी बता दिए हैं और ये नॉइस का प्रॉब्लम क्यों आता है वो भी आप लोग को बता दिए हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हाँ शेयर करना बिल्कुल ना भूले, जिस तरह से वीडियो आपका काम आया उस तरह से अदर व्यक्ति का भी आएगा। और एक जानकारी हम आप लोग को देना चाहेंगे, सो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं ये व्हील का बॉल्स है, ठीक है, तो ये बॉल्स में हम आप लोग को एकदम अच्छे से दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, प्लीज ध्यान पूर्वक देखें। तो जैसा कि ये बॉल्स आप देख रहे हैं, हम आप लोग को अच्छे से दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये बॉल्स आपका चेप्टा दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा यानी ये बॉल्स जो है घिस गया है, तो इस तरह से बारीकी जो है पूरा बॉल्स में आपका हो जाता है, सभी बॉल्स में हो जाता है, चाहे हैंडल का हो, बॉटम ब्रैकेट का हो या फिर व्हील का हो। ठीक है, इस तरह से आप जो है ये चीज़ को समझ सकते हैं अच्छी तरीका से कि हमारा बॉल्स जो है ख़राब हो गया, अब हमें चेंज करना पड़ेगा, ये सब जो प्रॉब्लम है नॉइज़ वगैरह का वो कभी भी नहीं आएगा, इसका सलूशन भी हम आप लोग को अच्छे से बता दिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखें, जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।